हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सुमन टीशा ओवन चैनल में। आज हम बनाएंगे ज्वारी की रोटी, जो कि बहुत ही हेल्दी रोटी होती है। इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी काफ़ी कम होती है और ये वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्प करता है। इसे हम अपने रूटीन लाइफ में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें ज्वारी का आटा लगेगा। ज्वारी का आटा है, उसे हम एक बाउल में लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हमें डो तैयार करना है। इसे हम जितने टाइम तक अच्छी तरह गूंथेंगे उतनी ही सॉफ्ट इसकी रोटी बनती है। नॉर्मली देखेंगे तो इसकी रोटी थोड़ी कंपेयर टू बाकी रोटियों से होती है, बट हम इसे जितना टाइम, मतलब 5 से 10 मिनट इसे अच्छी तरह गूंथेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, तो इसकी रोटी काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है। और इस पर हमें कोई तेल नमक कुछ नहीं मिक्स करना है। ये देखिए, इसका हमें अच्छी तरह डो तैयार करना है। आप देख सकते हैं, इसे में थोड़ा थोड़ा ही हमें इसका आटा गूंथना होता है। और मैं तो एक हाथ से इसका आटा तैयार करती हूँ और ये काफ़ी जल्दी बन जाती है रोटी। अब ये देखिए, डो तैयार हो गया है। अब हम एक प्लास्टिक ले लेंगे अच्छा सा, और उसे हम कट कर लेंगे चारों बाजू, तीन बाजू से। अब इसे हम चौके पे रखेंगे। प्लास्टिक के ऊपर अगर हम ज्वारी की रोटी बनाते हैं तो हमारी रोटी फटेगी भी नहीं और चिपकेगी भी नहीं। ये देखिए, अब इसका हमने छोटी छोटी लोई बना लेंगे। थोड़ा सा ज्वारी का आटा सूखा लगाएंगे ताकि रोटी चिपके नहीं, और हम तीन हाथ उंगली के से प्रेस करके इसकी रोटी बेलेंगे। हल्के हाथ से प्रेस करना है, ये आराम से रोटी बेल जाती है हाथ से ही। ये देखिए, ये प्लास्टिक को उठा लेंगे, उस पर से रोटी निकल जाएगी आराम से। अब हम एक साथ 3 से 4 रोटी हम एक तवे पर बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने वापस से ली है। मैं सिर्फ 3 हाथ से हल्के से प्रेस करना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, हल्के हाथ से प्रेस करना है। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, आराम से बिल जाती है रोटी, बेलन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप देख सकते हैं कितना आसानी से बन रहा है, ज़रा भी ये रोटी फट नहीं रही है और एकदम गोल में हुई है। और ये रोटी छोटी छोटी होती है तो बच्चों को भी खाने में काफ़ी मज़ा आएगा, बड़ों को तो मज़ा आएगा ही। देखिए, मैंने 4 रोटी एक तवे पे डाल दी है एक एक करके। अब ये एक साइड से हमें स्लो फ्लेम पे होने देना है। देखिए, पहले जो मैंने 3 डाली थी वो रोटी मेरी एक बाजू से सिक गई है, तो उसे मैं पलट देती हूँ। एक रोटी मैंने एंड में डाली तो उसे थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसे हम होने देंगे। तब तक हम बाकी के भी 2 से 3 रोटी तैयार कर सकते हैं। देखिए, मैंने 2 रोटी और तैयार करके रख ली है। तब तक ये दोनों बाजू से रोटियां सिक जाएगी। ये देखिए, मैंने 4थी रोटी को भी पलट लिया है और बाकी सब एक बार हम चेक करेंगे कि हो गई है या नहीं। अब 2 मिनट बाद हम देखेंगे तो हमारी रोटियां एक बाजू से हो जाएगी दोनों बाजू से, फिर हम दूसरी भी रोटी उस पर डाल देंगे। अब इसे हम देखिए, दूसरे गैस पर मैंने वो तवा रख दिया है और इस पर ये लगाकर सेक रहे हैं। सिर्फ इस पर हमें हल्के से रखना है। देखिए, रोटी कैसे डब्बे की तरह फूलती जा रही है। और इसी जाली पर हम सेक कर साइड में रखेंगे ताकि ये रोटी गर्म की गर्म रहेगी और सीज भी जाएगी अच्छी तरह। ये देखिए, सारी रोटियां मैं एक एक करके, एक साथ मैंने 4 रोटियां तैयार की हैं। और देख सकते हैं आप कैसे डब्बे की तरह रोटी फूल रही है, जरा भी मेहनत नहीं करना पड़ा। सिर्फ इसे मैंने गूंथते समय काफ़ी टाइम तक गूंथा है। आटे को इतना गूंथना है कि उसकी सॉफ्ट लोई बनने लगे। ये देखिए, हमारी 4 रोटियाँ तैयार हो गई है, बाकी की 2 रोटियां हैं वो सीक रही हैं। तो ऐसे करके हमें ज्वारी की रोटी बनानी है। बहुत ही आसान तरीका है बनाने का, आप इसे डेली बना सकते हैं और ये रोटी काफ़ी हेल्दी होती है। यदि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।